हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे पुदीना और धनिया की चटनी, जो कि टेस्टी और हेल्दी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुदीने के कुछ पत्ते लिए मैंने, प्याज कटा हुआ लिया है और दो नींबू लिए हैं, थोड़े बहुत हरी मिर्च लिए है और धनिया लिए है और नमक और थोड़ा सा पानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम तो मिक्सी जार ले लिया है मैंने, इसमें अब मैं धनिया ऐड करूँगी और आपको इसको काटने नहीं है, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। और ये पुदीने के पत्तियाँ ले लिया मैंने, इसमें डाल दिया है। और मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये धनिया के डंठल को फेंकना नहीं है, डंडियों को आपको इसको भी यूज़ करना है। इसमें बहुत अच्छा खुशबू आती है इसकी, उसमें धनिया के डंडों में। वही मैंने प्याज ऐड कर दिया है, हरी मिर्च आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, आप इसमें टमाटर लहसुन भी ऐड कर सकते हैं उस टाइम। और मैंने कुछ नमक डाल दिया है, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। नींबू मैं बाद में ऐड करूँगी। ये थोड़ा पानी डाल दिया, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, एक दो चम्मच पानी डालना है। ये देखिए अब मैंने पीस लिया। अब हम इसमें नींबू ऐड करेंगे, इसमें बीज ना जाए ध्यान देना, क्योंकि कड़वा हो जाता है फिर ये बीज जाते हैं। तो आप जितना खट्टा खाते हैं, कितना खट्टा आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं नींबू। आप इसमें आंबी भी डाल सकते हैं। और अगर आपको खट्टी मीठी चटनी बनानी है तो आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा। ये पीस के तैयार हो गया है, मैं इसे कटोरे में निकाल लूँगी। और अगर आपको नमक बाद में डालना है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, नींबू भी बाद में डाल सकते हैं, कई लोग बाद में भी डालते हैं। तो अगर साथ में डालते तो पीस जाती तो अच्छा रहता है। और ये रेडी हो गया है, आप इसे पराठे चपाती या पकोड़े के साथ खा सकते हैं। और आप इसे एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। चलिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके बताना आपने अगर चटनी बनाई तो कैसी लगी। तो चलिए बाय बाय।